हेलो एवरीवन, मैं मनीषा भारद्वाज, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं शेयर करने वाली हूँ पत्ता गोभी पराठा। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज की रेसिपी है पत्ता गोभी का पराठा, जो कि बहुत ही टेस्टी और यमी होता है, तो इसे आप ज़रूर बनाएं। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। पत्ता गोभी का पराठा बनाने के लिए हमें इन सारी सामग्री की आवश्यकता है: पत्ता गोभी, आटा, अजवाइन, हल्दी पाउडर, नमक, गरम मसाला, चाट मसाला, लाल मिर्ची पाउडर, तेल, घी, हरी मिर्ची, लहसुन, जीरा, प्याज, हरा धनिया। पत्ता गोभी को मैंने बिल्कुल बारीक ग्रेट कर लिया है ग्रेटर से, और आटा के डो में मैंने नमक डाल के और आटा को लगा लिया है। तो देखिए, अब हम गैस पे एक पैन को चढ़ा दिए हैं। पैन में अब हम तेल को डाल देते हैं। तो तेल अब हमारा गर्म हो चुका है, तो उसमें हम जीरा को डाल देते हैं। जीरा भी हमारा हो चुका है, तो अब हम इसमें लहसुन को डाल देते हैं और हरी मिर्ची को और प्याज को, और इन तीनों को हम अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेंगे, भून लेंगे। और चलाते हुए हम इसे भून लेते हैं। तो देखिए, प्याज अब हमारा हो चुका है, तो अब हम इसमें पत्ता गोभी को डाल देते हैं और अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए, इसे हम मिक्स कर लिए हैं, तो अब हम इसमें मसाला ऐड कर देंगे: हल्दी पाउडर, नमक, चाट मसाला, गरम मसाला, लाल मिर्ची पाउडर। और अब हम इन सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं। चाट मसाला की जगह आप यहाँ पे अमचूर को भी डाल सकते हैं। तो देखिए, ये अब हो चुका है, तो इसे अब हम निकाल लिए हैं एक प्लेट में। तो अब हम इसमें हरा धनिया को डालेंगे और अजवाइन को, और अब हम इन्हें मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। अच्छी तरीके से अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर हमारा ठंडा हो चुका है, तो अब हम पराठा तैयार करेंगे। ये पराठा बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, तो इसे आप जरूर ट्राई करें। तो देखिए, ये हमारा मिक्स हो चुका है, इसे मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो अब हम पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए अब हम आटा में से छोटा सा लोई को तोड़ेंगे। जितना बड़ा आपको पराठा बनाना है, उतना बड़ा आप इसमें से लोई को तोड़ सकते हैं। और इसे हम हाथ से घुमाते हुए गोल करेंगे और हल्का सा सूखा आटा लगाएंगे, और इसे अब हम गोल गोल कटोरी के शेप में बना लेते हैं। तो देखिए, इसे हम कटोरी के शेप में बना लिए हैं। तो अब हम इसमें मिक्सचर को डालेंगे। मिक्सचर को डाल के और हाथ से हम इसे हल्का सा दबा देते हैं, और चारों किनारों से इसे हम अच्छे तरीके से फोल्ड करते हुए जाएंगे, फोल्ड करते जाएंगे, और इसे हम गोल शेप में कर देते हैं, बंद कर देंगे। और अंगूठे और उंगली की मदद से इसे हम गोल गोल घुमा के और बंद कर देते हैं। तो देखिए, ये अब बंद हो चुका है, तो अब हम सूखा आटा फिर से लगाएंगे और अब हम इसे हल्का हल्का हथेलियों से घुमाते हुए गोल गोल बनाएंगे। और अब हम इसे चकला पे रख के इसे हल्का हल्का हम दबाते हुए और हल्का हल्का बेलन को चलाते हुए और अब हम इसे बना लेते हैं। ना इसे ज़्यादा पतला करेंगे और ना ही ज़्यादा मोटा रखेंगे। तो देखिए, पराठा हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हम गैस पे एक तवा को गर्म कर लिए हैं। तवा हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें पराठा को डाल देते हैं। पराठा को आप घी या तेल किसी में भी बना सकते हैं। घी से पराठा जो है वो बहुत ही अच्छी बनती है। तो देखिए, पराठा को मैंने पलट दिया है, अब हम इसके ऊपर घी को लगा देते हैं। घी का पराठा बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, इसीलिए हम इसे घी से ही बना रहे हैं। तो देखिए, इस तरफ मैंने घी को लगा दिया, पलट के दूसरी साइड से भी हम इसे घी से लगा देते हैं। अच्छी तरीके से हम इसे चारों तरफ मिक्स करते हुए घी को लगा देंगे। देखिए, अच्छी तरीके से घी लग चुका है, तो वापस से हम इसे पलट देते हैं। और अब हम इसे अलटते पलटते हुए इस पराठा को हम सेकेंगे। देखिए, इसे हम कलछी की मदद से हल्का हल्का हम इसे दबा रहे हैं, और ये पराठा जो है हमारा अच्छी तरीके से गोल्डन हो जाए, सिक जाए, अच्छे तरीके से हम इसे सेकेंगे। गैस के फ्लेम को हम यहाँ पे मीडियम पे ही रखेंगे। देखिए, हमारा जो पराठा है वो फूल रहा है, इसे अब हम पलट देते हैं और हमारा जो पराठा है वो बिल्कुल फूला फूला तैयार होता है। तो देखिए, हमारा जो पराठा है वो लगभग सिक चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये पराठा हमारा हो चुका है, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। इस तरीके से सारे पराठा को मैंने सेक लिया है, तो हमारा पत्ता गोभी पराठा तैयार हो चुका है। इसे मैंने चटनी के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो इसे दही के साथ सर्व कर सकते हैं, अचार के साथ सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।